नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं गुलिशा, आपके साथ खबरों की शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर मिल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में 10,000 जवानों की तैनाती के आदेश दिए गए। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से घाटी के लौटने के बाद 100 अतिरिक्त कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक समस्या है जिसे सैन्य तरीके से हल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर केआर रमेश कुमार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को किया संबोधित। यूपीए कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी का हैदराबाद में आज निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कई समय से बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के शामली में चिकित्सा सेवा शिविर के उद्घाटन में पहुंचे अजय कुमार ने थकान महसूस कर रहे कांवड़िए के पैर दबाकर सेवा की। लगातार हो रही बारिश के कारण देश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मानसूनी बारिश के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, असम और बिहार समेत देश के कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिहार और असम में बारिश संबंधित घटनाओं ने 9 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 207 हो गई। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के बीच देश की 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। देश की अर्थव्यवस्था को 11वां से 5वें पद लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सड़क पर नमाज पढ़ने के विरोध पर कुछ हिंदूवासियों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा की जिला अदालत में एक जज का तबादला कर दिया गया। मॉब लिंचिंग और गाय के नाम पर हिंदू धर्म को किया जा रहा है बदनाम। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में रात को तेज बारिश की संभावना है। बिहार की राजधानी दानापुर में एक घर में मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आजम खान के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, कहा उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार तड़के हुई 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। दिल्ली के कैंपस परिसर में एक फ्लैट में शुक्रवार रात देर मां बेटे और बहू का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक सनसनी मामला सामने आया है। रविवार सुबह कुछ शरारती तत्वों ने एक युवक को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा की तरह बिहार में भी प्रेम विवाह करने के बाद लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 ट्रक और 1 बस टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के कॉलेज में छात्राओं के बीच मारपीट पर मचा बवाल, वीडियो हुआ वायरल। करनाल में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे युवक युवती, एक हादसे ने ले ली दोनों की जान। रूसी मैम को हुआ हरियाणा के छोरे से प्यार, देश छोड़कर आई 7 फेरे लेने। हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे 1 ट्रक शराब, कुशीनगर पुलिस ने पकड़ा। किन्नरों के साथ दोस्ती करना युवक को पड़ गया महंगा। किन्नरों के साथ बधाई के दौरान ढोलकी बजाने वाले युवक का आरोपियों ने काट लिया प्राइवेट पार्ट। अलवर जिले पर फिर एक बार बदनामी का दाग लग गया है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। जयपुर में कैब में पहले से मौजूद एक लड़की ने युवक की जीप काट ली, जिसके बाद लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर से एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आ रही है। वहां सहेली के घर गई एक युवती के भाई ने सहेली का रेप कर दिया। 12 के सीस वाली कस्बे में सोमवार रात को हुई सर्राफा व्यापारी की हत्या के बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। सलीम टावरी के गांव भटिया के गुरु कृपा कॉलोनी में शादी की सालगिरह पर पति ने पत्नी को मार दिया। पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। फर्जी ग्राहक बनाकर मनीमा पुलिस ने बस अड्डे पर छापामारी कर जिस्म फरोशी के धंधे का किया पर्दाफाश। पास करवाने के बहाने छात्रों के साथ किया जाता था रेप। देश के कई राज्यों में फैल रहा है साइबर अपराध।
बिहार के सासाराम जिले में दावत थाना से एक महिला बच्चे को चोरी करती हुई पकड़ी गई। कंगना रनौत और राजकुमार की फिल्म जजमेंटल है क्या ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ओपनिंग के बाद दूसरे दिन धमाकेदार कमाई कर ली। बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस से दो केले के लिए 442 रुपए का बिल वसूलना चंडीगढ़ के एक होटल को पड़ गया काफी महंगा। हॉट अंदाज में अर्जुन के साथ डिनर करने पहुंची मलाइका अरोड़ा, सामने आई ये तस्वीरें। फरहान अख्तर अपनी आने वाली फिल्म तूफान के लिए कर रहे हैं अपनी बॉडी को रेडी। साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत अंदाज में इवेंट में पहुंची अनुष्का शर्मा, देखिए जरा उनकी एक झलक। बेटे जैन कपूर के जन्म के बाद मीरा कपूर की सामने आई ग्लैमरस तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं उतना ही वो नाता विवादों में भी रखती हैं। विराट कोहली ने रोहित शर्मा से नहीं मांगी माफी, बीसीसीआई ने की थी झगड़ा सुलझाने की कोशिश। विराट कोहली की वजह से रवि शास्त्री बन सकते हैं अगले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। मोहम्मद आमिर पर बरसे शोएब अख्तर, इमरान खान से कहा दखल ना दे। टीम इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में रॉबिन सिंह भी हुए शामिल, शास्त्री को दिया बड़ा बयान। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पहुंचे स्मृति ईरानी से मिलने। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।